हेलो फ्रेंड्स, सर्दियों के मौसम में खूब सारी हरी मटर आ रही है, पालक आ रहा है, तो क्यों ना इससे बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाई जाए जिसे बच्चे भी बहुत प्यार से खाते हैं। बच्चों का तो यह फेवरेट नाश्ता बन जाता है क्योंकि इसे देखते ही बच्चे खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में और स्वादिष्ट होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज की मेरी न्यू रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की ढेर सारी टेस्टी रेसिपी देखने को मिलेंगी। नाश्ता बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पालक लिया है, ये बिल्कुल ताजा पालक है। इसको हमने साफ पानी में धुल लिया है। पत्ते और डंठल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। इसके डंठल में काफी सारी मिट्टी होती है तो उसको पहले अच्छे से धुल लें, उसके बाद रेसिपी के लिए इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर इस पालक को हम रख लेते हैं मिक्सी जार में, क्योंकि इसको हमें पीसना है। यदि आपकी मिक्सी जार में पालक के रेसे रह जाते हैं पीसने के टाइम, तो आप इसे चाकू से बारीक काट करके भी पीस सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन, ताकि यह साथ में बढ़िया से पीस जाए। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना पानी डाले इस तरीके से बारीक पेस्ट बनाना है पालक का, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें डालेंगे एक कटोरी आटा। तो आप इसमें मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा हेल्दी होता है, इसलिए हम इसे सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। इससे भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है नाश्ता। अब हम इसमें डालेंगे 5 चम्मच घी। हमने इसको गर्म कर लिया है क्योंकि ठंडी के मौसम में घी जम जाता है तो आटे में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको गर्म कर लिया है। आटे में जितना बढ़िया हम मोवन लगाते हैं उतना ही खस्ता नाश्ता बनता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा कम लगता है तो आप इसमें रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं। आटे में अजवाइन आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने अजवाइन को पहले से पालक में पीस लिया है इसलिए आटे में डालने की ज़रूरत नहीं है। आटे में यदि मोवन सही नहीं होगा तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। थोड़ा सा आटा लेंगे और इस तरीके से दबा करके देखते हैं, इसका बढ़िया सा पेड़ा बन जाता है। तो इसमें मोवन सही है, यदि बिखर रहा है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं घी। अब हम इसमें पालक का पेस्ट मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। पालक का हमने जो ये पेस्ट बनाया है इसी से हमें आटे को गूंथना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। यह आटा हमें रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट बनाना है, गीला नहीं बनाना है। इस तरीके से आटे को गूंथ लेंगे हम। अब हम इसे ढककर रख देते हैं कुछ देर के लिए ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। इस रेसिपी के लिए हमने 150 ग्राम लिया है ताज़ा हरा मटर, और ये मीठी मटर है जो खाने में थोड़ा सा मीठी लगती है। उस मटर का यदि इस्तेमाल करते हैं तो रेसिपी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। जो छोटे दाने होते हैं वो थोड़ा मीठे होते हैं, तो इस तरीके से हरी मटर को लेना है। ज़्यादा बड़े दाने वाली यदि आप मटर लेते हैं तो वह खाने में मीठी नहीं लगती है। इस तरीके की मटर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हम लेंगे एक छोटा जार मिक्सी का, इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक लिया है जिसके हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं ताकि बढ़िया से इसमें पिस जाए। साबुत डाल देते हैं तो सही से पिस नहीं पाता है। अब हम इसमें मटर के दाने भी डाल देंगे। इस मटर का हमें दरदरा पेस्ट बनाना है, लेकिन इसमें पानी नहीं डालना है। बिना पानी के इसका एक दरदरा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना है। मिक्सी को पल्स पर चलाते हुए इसका हम दरदरा पेस्ट बनाएंगे इस तरीके से। बिना पानी डाले इस तरीके से मटर का दरदरा पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा इसे चटनी की तरह पीसना नहीं है, नहीं तो खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। जब यह थोड़ा सा दरदरा रहता है तभी खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब हम एक पैन लेंगे और इसे आंच पर रख देते हैं गर्म होने के लिए। इसमें डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस जगह। 1 चम्मच इसमें जीरा डालेंगे, जीरा बढ़िया से चटकने लगा है। अब हम इसमें दरदरा पिसा हुआ मटर डाल देंगे। ये दरदरा पिसा हुआ मटर बर्तन में थोड़ा ज़्यादा चिपकता है, इसलिए आंच को बिल्कुल मध्यम रखेंगे, तेज बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो यह नीचे से जल जाता है और ऊपर से कच्चा रह जाता है। इसको मध्यम आंच पर भूनना है। भूनते हुए इसमें डालना है 2 चम्मच बेसन, बेसन आपको ज़रूर डालना है।
मटर भूनने के बाद सूखा हो जाता है जो कि थोड़ा सा बिखरने लगता है। जब हम इसमें बेसन डाल देते हैं तो दोनों आपस में चिपके रहते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ सौंफ और जीरे का पाउडर, आधा चम्मच फ्रूट चाट मसाला डालेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है नाश्ते में। यदि आपके पास फ्रूट चाट मसाला नहीं है तो आप आधा चम्मच ड्राई आमचूर पाउडर इसमें ज़रूर डालिए। अब हमें मटर को मध्यम आंच पर 2 मिनट इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनना है, जिससे मटर पक भी जाता है और थोड़ा सा सूखा भी हो जाता है। नाश्ते के लिए हमें इस तरीके से मटर को भूनकर इस्तेमाल करना है। इसमें कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए, इसको बढ़िया से भून लेना है। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक काट करके हरा धनिया पत्ती डाल देते हैं। थोड़ी कम मात्रा में ही डालना है। अभी मटर थोड़ा सा गर्म है तो धनिया इसमें भून जाएगा। और एक छोटा चम्मच लेंगे कस्तूरी मेथी, हाथों से रगड़ करके इसमें डाल देते हैं और फिर से इसको थोड़ा सा भून लेते हैं कुछ सेकंड के लिए। मटर बढ़िया से भून गया है। अब हम आंच को बंद कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी यह काफ़ी ज़्यादा गर्म है। इधर हमारा गुथा हुआ आटा भी बढ़िया से सेट हो गया है, तो हम इसमें से थोड़ा सा आटा लेंगे। और यहाँ पर मैंने चॉकिंग बोर्ड लिया है क्योंकि हमारे पास जो चकला है वो थोड़ा सा छोटा है और इसे हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है, इसलिए मैं इसके ऊपर बना रही हूँ। आटे को बढ़िया से अच्छे से इस तरीके से रोल करेंगे ताकि चिकना हो जाए। उसके बाद एक लोई लेंगे, इस तरीके से रोल करेंगे, हथेलियों से इसको इस तरीके से चपटा कर लेंगे। यह आटा थोड़ा सा टाइट है और इसमें मोवन भी लगा है, तो आप इसमें सूखा आटा यदि लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरीके से ऐसे ही बेल सकते हैं। यह चिपकता नहीं है क्योंकि इसमें मोवन लगा है, तो बढ़िया से ये निकल आता है। इसकी हमें गोल गोल रोटी नहीं बनानी है, थोड़ा लंबे साइज़ में बनानी है, अंडाकार की। एक बार में आप इसको जितना बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको बेल लेना है, ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही ज़्यादा पतला है। अब हम एक चाकू लेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे। इधर से कट लगाने के बाद इसके इस साइड को भी हम काट कर हटा देते हैं। दूसरे वाले साइड को भी हम इसी तरीके से काट कर निकाल देंगे। इसकी हमें एक बढ़िया सी पट्टी चाहिए। तीनों साइड निकालने के बाद यहाँ से हम पकड़ कर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो नीचे का साइज है यहाँ से हम कट लगा करके इसको निकाल लेंगे। नाश्ता बनाने के लिए हमारा एक पीस तैयार हो गया है। इसकी हम एक बढ़िया सी डिजाइन बनाएंगे। अब हम नीचे वाले भाग पर ये वाला भाग उठाकर रखेंगे ताकि दोनों बराबर साइज में हों। इसका हम स्क्वायर शेप बनाएंगे तभी अच्छे से डिजाइन बन पाता है। इसको यहाँ से पकड़ करके यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसका जो ये पीछे वाला भाग है इसको काट करके हटा देते हैं। दे हमारा बढ़िया सा स्क्वायर शेप में डिजाइन बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसके बीच में रखेंगे स्टफिंग मटर वाली। मटर को बढ़िया से बीच में सेट कर देंगे। उसके बाद इसमें हम पानी लगाएंगे, तो हमें सिर्फ 2 साइड ही पानी लगाना है, चारों साइड पानी नहीं लगाना है। पानी लगाने के बाद इसे हमें फोल्ड करना है, तो यहाँ से हम इस तरीके से जब फोल्ड करते हैं तो बढ़िया डिजाइन बनता है। पानी लगाने से बहुत अच्छे से चिपक जाता है। बाद में जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो खुलने का रिस्क नहीं रहता है, तो बढ़िया से इन्हें चिपका देते हैं। इसके ऊपर बढ़िया से डिजाइन बनाने के लिए हम लेंगे एक कंघा। यदि इस तरीके का आपके पास नहीं है तो आप बड़ा वाला कंघा भी ले सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे इस तरीके से, ताकि यह आटे में चिपके नहीं, इससे बढ़िया डिजाइन उभर करके आता है। इसको इस साइड रखना है और इस तरीके से हमें दबाना है, बढ़िया से डिजाइन उभर करके आ जाता है, बहुत ही सुंदर बनता है, कोई भी बना सकता है बहुत आसानी से। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रख करके दबाएंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बढ़िया डिजाइन लगता है देखने में, लेकिन इसे हम थोड़ा सा और सुंदर डिजाइन बनाएंगे। अब हम लेंगे चाकू, तो ये जो चाकू की उल्टी वाली साइड है इसको रखना है।
और यहाँ से हल्का सा कट लगाएंगे। उल्टी साइड से लगाना है, सीधे से नहीं लगाना है, नहीं तो फट जाएगा। उसके बाद इसे हथेली पर रख करके दोनों उंगलियों की सहायता से इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से चिपका देना है। इसको चिपकाने से पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी लगा देते हैं ताकि बढ़िया से चिपक जाए, नहीं तो यह निकल भी सकता है, तो इसको हमें अच्छे से चिपका देना है ताकि निकले नहीं। आप एक दो बार कोशिश करेंगे और इसी तरीके से बढ़िया से नाश्ते का डिज़ाइन बन जाता है। पत्ती के आकार में यह बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में, तो इसी तरीके से बाकी बचे हुए नाश्ते को हमें बना लेना है। अगर आप ऐसे ही बच्चों को पालक की सब्जी या मटर की सब्जी देते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन जब इस तरीके से आप सुंदर सुंदर डिज़ाइन में नाश्ते को बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत ही प्यार से खाते हैं। इस तरह से हमें सुंदर डिज़ाइन में सारा नाश्ता बनाकर रख लेना है। यदि आपको इस तरीके से नहीं बनाना है तो आप इन्हें ऐसे ही कचौड़ियों की तरह भी बना सकते हैं, यदि डिज़ाइन बनाने में दिक्कत होती है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल गरम कर लिया है और इनको इस तरीके से गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, मध्यम आंच पर इन्हें फ्राई करेंगे ताकि अंदर बाहर बढ़िया से क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार हो। जब यह नाश्ता कच्चा होता है तो थोड़ा ज़्यादा ग्रीन लगता है देखने में, फ्राई होने के बाद इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, मटर और पालक का बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। बच्चों का तो यह नाश्ता बहुत ही फेवरेट होता है, चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। गरम गरम यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं, दो दिन आप इसे रख करके भी खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। इन सर्दियों में आप पालक हरी मटर के इस नाश्ते को ज़रूर एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की ढेर सारी टेस्टी रेसिपी देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।